नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की ओर। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन तीसरी लहर का कहर अभी भी लोगों को डराने लगा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक्शन मोड में नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी आज 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा करेंगे, साथ ही वहां के मुख्यमंत्रियों से बात भी करेंगे। और इन राज्यों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र और केरल शामिल हैं। प्रधानमंत्री की ये बैठक सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी और ऐसे में ये वो राज्य हैं जहां कोरोना के मामलों की रफ्तार में बाकी राज्यों के मुकाबले कमी देखने को नहीं मिली है। इसी बीच आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी एक बैठक की थी। बता दें कि देश में गुरुवार को 41,806 नए मामले सामने आए, जिसमें से 28,691 मामले इन्हीं 6 राज्यों में से पाए गए हैं। ऐसे में केरल में 13,773 मामले सामने आए, जबकि महाराष्ट्र में 8,010 मामले आए। आंध्र प्रदेश में 2,526 नए मामले देखने को मिले, तो तमिलनाडु में 2,405 मामले आए और उड़ीसा में 2,110, साथ ही कर्नाटक में 1,977 केस सामने आए हैं। देश में इस वक्त इस वायरस को हराने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे में अभी वैक्सीन लगाना ही और नियमों का पालन करना ही इस वक्त जरूरी है, क्योंकि दुनिया के कई देशों में कोरोना का कहर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। और देश में करीब पिछले 15 दिनों से ही कोरोना संक्रमण की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। हर दिन करीब 40,000 नए केस सामने आ रहे हैं और रोजाना 500 से 1,000 संक्रमितों की मौत हो रही है। ऐसे में शुक्रवार सुबह को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 38,949 नए कोरोना केस सामने आए हैं, साथ ही 542 संक्रमितों की जान चली गई। और इससे पहले गुरुवार को 41,806 नए मामले सामने आए थे। इसी बीच पिछले 24 घंटे में 40,026 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वर्तमान में कोरोना एक्टिव केस 4,00,000 से ज्यादा है और 4,30,000 लोग अभी भी कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कोरोना से अब तक कुल 4,12,531 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह रही कि अब तक कुल 3,01,83,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। महामारी की शुरुआत से ही अब तक कुल 3,10,26,000 लोग कोरोना संक्रमित हुए थे। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 15 जुलाई तक देश भर में 39,53,00,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं और बीते दिनों 38,78,000 टीके भी लोगों को लगाए गए। ऐसे में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 44,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं और बीते दिन करीब 19.55 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिसके पॉजिटिविटी रेट 3% से कम रहा। और कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच कांवड़ यात्रा को मंजूरी देने के लिए यूपी सरकार के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर खुद संज्ञान लिया है और कोर्ट ने कहा है कि उत्तराखंड ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए यात्रा रद्द कर दी है, लेकिन यूपी ने ऐसा नहीं किया है। राज्य सरकारों का यह रवैया लोगों को भ्रमित करने वाला है। इस मामले में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है और आज सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई के पीठ इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी और इस पीठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोविड को रोकने के प्रयासों में कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। पीठ ने यह भी कहा कि 25 जुलाई से धार्मिक यात्रा शुरू करने की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के बाद लोग हैरान हैं। उधर यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप ने कहा कि आगामी 25 जुलाई को राज्य में शुरू हो रही कांवड़ यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल के साथ साथ इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए जाने वाले दिशा निर्देशों का भी सख्ती से पालन किया जाएगा। हर साल निकाले जाने वाली कांवड़ यात्रा के लिए इस वक्त जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करके
तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में कांवड़ यात्रा निकालने के सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद पूछे जाने पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि सुनवाई के दौरान जो भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे उन पर हम विचार करेंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले हफ्ते ही कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और तैयारियों का जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की थी।